दोस्तों, अगर हम आपको ये कहें कि किसी कार के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी कार मौजूद है जिस कार के अंदर इतना स्पेस होता है कि उसमें आप एक हेलीकॉप्टर को लैंड करवा सकते हैं। ये कार दुनिया की सबसे लंबी कार है। इस कार की कीमत लगभग 27 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी लिमोजिन द अमेरिकन ड्रीम की रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। ये ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी कार है। दुनिया की सबसे लंबी कार को साल 1986 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया था। 100 फीट लंबी इस खास लिमोजिन को जे और बर्ग ने 90 के दशक की शुरुआत में डिजाइन किया था। और बर्ग एक कार कलेक्टर भी थे जो हर तरह के व्हीकल खरीदा करते थे। इस कार में कुल 26 पहिए लगे हुए हैं और इसे दोनों ओर से चलाया जा सकता है। और बर्ग ने इस कार के डिजाइन पर 1980 के दशक में काम शुरू किया था और 1992 में ये इसे हकीकत में बदल पाए। इस कार में डबल V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। कार में एक इंजन आगे की ओर और दूसरा इंजन पीछे की ओर लगाया गया है। ये कार इतनी बड़ी है कि इसमें एक स्विमिंग पूल, जकूजी, बाथटब और छोटे से गोल्फ कोर्स के साथ हेलीकॉप्टर भी है। इस कार में एक बार में 70 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। इस कार में कुछ टीवी, रेफ्रिजरेटर और एक टेलीफोन की सुविधा भी दी गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद ये काफी पॉपुलर हुई। कई फंक्शंस में इसको देखा गया। ये कार खासतौर पर सिनेमा के लिए बनाई गई थी। इस कार को पर्सनल यूज करने के लिए $50 से $200 पर आवर चुकाना पड़ता है। इतने फीचर्स के बाद इसकी देखभाल करना काफी मुश्किल और खर्चीला था। सिनेमा से मिलने वाले पैसों से इसको मेंटेन करना संभव नहीं था। ऐसे में साल 2012 तक ये कार केवल नाम की कार रह गई। इसके पहिए और खिड़की भी गायब हो गई। जानकारी के लिए दोस्तों, आपको बता दें कि लिमोजिन किसी कार का ब्रांड नहीं है, बल्कि कारों की एक क्लास होती है। ये कारें सिर्फ ऑर्डर पर ही बनाई जाती हैं। इसे पूरी तरह से कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। इसमें कस्टमाइज इंटीरियर भी होता है, जिसे आप अपने हिसाब से चेंज भी करवा सकते हैं। इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कार को ब्रांड के हिसाब से नहीं, बल्कि लग्जरी के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। कार का पार्टीशन इस तरह तैयार होता है कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों एक ही कार में रहने के बाद भी अलग अलग होते हैं। माना जा रहा है कि अब कोरोना वायरस महामारी का संकट दूर होने के बाद इस कार को फिर से उसी हाल में वापस लाने का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी कार एक बार फिर से सड़कों पर अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दुनिया की सबसे लंबी लिमोजिन द अमेरिकन ड्रीम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।